नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज वेन अ बॉडी मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ सर्कल आपने को चार ऑप्शन दिए बताना कौन सा सही है पहला ऑप्शन है नो वर्क इज डन ऑन इट सेकेंड है नो एक्सलेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी नो फोर्स एक्स ऑन द बॉडी चौथा ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट नाउ अगर आपकी कोई बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो, वो सिर्फ और सिर्फ वो अप्लाई हो रहा है कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है अगर ऐसा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें पता है वर्क डन जीरो होता है तो उस केस में नो वर्क इज़ डन ऑन इट सो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो भी पार्टिकल हैं आपके लेट्स फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्शन हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की ये हो गई वेलॉसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया हाँ अगर यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ रही होती है यहाँ पर उसकी अगर स्पीड में चेंज आता तो इस डायरेक्शन में कोई टेंजेंशियल एक्सलेशन या फिर टेंजेंशियल फोर्स होता उसका वर्क डन जरूर होता लेकिन अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है सो नो वर्क इज डन इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट चॉइस